नमस्कार दोस्तों। तो अभी मैं हूँ आपके स्क्रीन पे। बीपीएससी का वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 25 तारीख की डेट में, जैसा कि आज अतुल सर का इंटरव्यू भी हुआ है कशिश न्यूज ने जो किया था, उसमें उन्होंने साफ साफ बताया था कि आज कट ऑफ मार्क्स जारी हो सकता है, जिसकी हाई डिमांड थी कि कट ऑफ मार्क्स जारी करे, और बीपीएससी कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी कर रही है। तो आज यहाँ पे 25 तारीख के डेट में आप देख सकते हो कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे आप 9 से 12 तक आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी मेरिट लिस्ट में डीवी या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स की वजह से अनवेरीफाइड हुए हैं, तो उनका यहाँ पे लिस्ट दिया गया है जो कि रिजेक्ट हुए हैं। बाकी काफी सारे लोग यहाँ पे 9 से 12 में ऐसे भी थे जो कि लैंग्वेज पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो बहुत सारे लोगों का मिथ था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 100 नंबर में, इतना इजी पेपर में 30 नंबर नहीं ला सकता है। तो आपको यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगा, आप बीपीएससी के वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो कि आखिर कौन ऐसे लोग हैं जिन जो कि अपना लैंग्वेज पेपर भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। बाकी सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ मार्क्स की। कट ऑफ मार्क्स मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने जो क्या कट ऑफ मार्क्स फाइनल में बताया था, शुरू में मैंने तो जनरल का कट ऑफ मार्क्स 60 से 64 रखा था, बट काफी सारे लोग का क्रिटिसाइज मैं देख रहा था, कमेंट बॉक्स में हो रहा था, जो इतना नहीं जा सकता है। लेकिन ये जो गया है, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ जो भी जो इन एलिजिबल कैंडिडेट हैं उसकी वजह से भी गया है। लेकिन मैंने जहाँ तक अपना आपको जो आंकड़ा बताया था कट ऑफ का, वो कुछ हद तक यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे कैटेगरी में आपको थोड़ा सही मिलेगा। बाकी मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपके सामने, यहाँ पे 1 to 5 का कट ऑफ है, क्लास 9 to 10 का यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट का कट ऑफ है, यहाँ पे बाकी क्लास 11 12 का कट ऑफ है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूंगा कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे मार्कर ले लूँ, तो कंप्यूटर साइंस में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे यूआर का कट ऑफ गया है 63, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। जो मैंने आपको बताया था कि यूआर का 63 जा रहा है, जो पहले तो मैंने आपको बताया था यूआर का कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने जो बताया था 57 से 58 मतलब यहाँ पे बताया था। बाकी यहाँ पे मैंने बताया था कि 2 नंबर का इंक्रीज हो सकता है, यानी 59 60 के करीब जा सकता है, बट यहाँ पे 3 नंबर का इंक्रीमेंट सीधा सीधा यहाँ पे देखने को मिला है, आप देख सकते हो। तो वो मैं समझ सकता हूँ कि पहले मुझे लग रहा था ये 60+ जाएगा, बट काफी सारे लोगों का मानना था ऐसा नहीं जाएगा। तो फिर मैंने थोड़ा डाटा को फिर एनालाइज किया, तो मैंने भी फिर कट ऑफ को 60 के करीब ही रखा था। बाकी यहाँ पे आप ये आप कह सकते हो यूआर वाला जो मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन था वो यहाँ पे गलत गया है। बाकी आप अगर हम बाकी यहाँ पे अगर आप यूआर फीमेल का देखो, तो यूआर फीमेल का यहाँ पे 52 गया है कट ऑफ कंप्यूटर साइंस में। बाकी मैंने यूआर का क्या यहाँ पे आपको कट ऑफ बताया था, तो आप देख सकते हो कि यूआर का यहाँ पे फीमेल का कट ऑफ आ गया है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 58 से 59 के बीच में, यानी कि ये लगभग 50 के करीब में, यानी कि अप्रॉक्स में जा रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर कम तक जा सकता है, ज्यादा नहीं जाएगा। बट यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये 52, यानी कि ये 2 नंबर प्लस ही चला गया है। तो यहाँ भी कुल मिला के थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से नहीं, लेकिन फिर भी ये बहुत पास पास है। बाकी आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस का कटअप जो है वो मैंने आपको 50 यहाँ पे आपका 52 गया है। बाकी मैंने आपको बताया था ईडब्ल्यूएस मेल का कटअप, आप देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 54 से 55 के बीच में मैंने आपको बताया था, यानी कि ये 2 नंबर कम ही गया है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 2 नंबर यहाँ पे ये 2 नंबर कम गया है। बाकी आप ईडब्ल्यूएस फीमेल का देखो, तो यहाँ पे ये 39 ही गया है, यानी क्वालिफाइंग पे ही गया है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे ईडब्ल्यूएस देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको क्वालिफाइंग ही बताया था। तो ये यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट ये सही डाटा है। बाकी यहाँ पे ईबीसी का आप देखो, तो ईबीसी का यहाँ पे आज जो बीपीएससी ने कटअप जारी किया ये 50 के करीब है, 50 यानी कि 50 मार्क्स है। बाकी आप यहाँ पे आप देख सकते हो ईबीसी है, यहाँ पे मैंने भी आपको 49 से 50 का ही कट ऑफ बताया था, यानी कि ईबीसी का जो कट ऑफ मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल सही यहाँ पे गया है ईबीसी का। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईबीसी फीमेल का भी यहाँ पे 39 ही गया है, और मैंने भी आपको 39 ही बताया था ईबीसी का क्वालिफाइंग पे। बाकी आप देखो यहाँ पे बीसी का 57 गया है, यहाँ पे बीपी यहाँ पे ये ईबीसी का मैंने आपको बता दिया जो कि एकदम सही है। बाकी बीसी का यहाँ पे 57 कट ऑफ गया है, काफी सारे लोग को लग रहा था जो बीसी का कट ऑफ 50 के करीब रहेगा, बट ऐसा नहीं था। मैंने यहाँ पे आपको बीसी का कट ऑफ जो 55 से 56, यानी पे मात्र 1 नंबर का इंक्रीमेंट, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये 2 नंबर का इंक्रीमेंट हो सकता है। तो कुल मिला के बीसी का कट ऑफ जो मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल एग्जैक्ट ही मैंने बताया था आपको। बाकी यहाँ पे बीसी फीमेल का आप सकते हो 42 गया था, यहाँ पे आप ये बीपीएससी का कटअप देख सकते हो। बाकी मैंने आपको बीसी का जो कटअप बताया था वो यहाँ पे 42 से 43 गया है, जबकि एग्जैक्ट जो डाटा है यहाँ पे एग्जैक्ट जो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 42 गया है। और यहाँ पे मैंने भी आपको अगर आप देखो बीसी का कटअप, तो मैंने 42 से 43 ही रखा है,
और यहाँ पर भी आप देखो तो ये बीसी का यही गया, यानी ये वाला बीसी फीमेल का भी मैंने जो आपको कटअप बताया था बिल्कुल एग्जैक्ट बताया था। बाकी यहाँ पे एससी में भी मैंने क्वालिफाइंग बताया था, बाकी इसमें तो कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। एसटी का कटअप मैंने आपको मेल वाले में थोड़ा ज़्यादा जरूर बताया था आप देखो तो, बट यहाँ पे क्वालिफाइंग पे ही हो गया है। एससी का आप देखो तो मैंने 46 से 47 रखा था, बट यहाँ पे क्वालिफाइंग पे ही हो गया है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कटअप नीचे गया है, यानी लगभग मैं समझ सकता हूँ कि बस एक उसमें भी ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखो तो लगभग लगभग बस ये यहाँ पे ये वाला जो डाटा था ईडब्ल्यूएस का, जो कि मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा ईडब्ल्यूएस का, यहाँ पे आप देख सकते हो 54 से 55 गया था। बाकी मैंने आपको बताया था 54 से 55, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है ये 52 तक ही गया, यानी 2 नंबर यहाँ पे कम रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो एक एक दो कैटेगरी को छोड़ के बाकी सारे कैटेगरी में लगभग वही कटअप है जो मैंने आपको सर्वे करके इस वीडियो में आपको मैंने बराबर मैं आपको जिला वाइज भी मैं कटअप बता रहा था। तो लगभग लगभग यहाँ पे मुझे आइडिया था, जो थोड़ा बहुत मेरे अंदर से आ रही थी जो ये यूआर का कटअप 60+ में जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से डाटा आ रहा था, बट मैंने उस डाटा को उस टाइम फिर मैंने जब दूसरी बार मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने उस डाटा को थोड़ा कम रखा था, बाकी सब में थोड़ा अंदाजा था जो ये सब कटअप जा सकता है। बाकी अगर आप और सब सब्जेक्ट का यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 1 to 5 का अगर आप देखो तो यहाँ पे जनरल का 67 गया है, बाकी आप अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पे देख सकते हो बीसी का 60 गया है। बाकी यहाँ पे 9 to 10 में आप देख सकते हो, यहाँ पे 9 to 10 में सबसे जो हॉट टॉपिक हॉट सब्जेक्ट आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन था ये सोशल साइंस में था, जो कि यूआर में 74 गया है, यूआर फीमेल में 67 गया है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 70 गया है, बीसी की बात करें तो 72 गया है। बाकी आप यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इस तरह से आप मैथमेटिक्स का भी देख सकते हो, यूआर का 72 गया है, यहाँ पे बीसी में 66 गया है, इंग्लिश में 59, यहाँ पे बीसी में 49। तो इस तरह से आप अलग अलग कैटेगरी का यहाँ देख सकते हो, इसमें भी आप सारे सब्जेक्ट का अलग अलग कैटेगरी का देख सकते हो। इसका मैं पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम लिंक पे डाल में वाले ग्रुप में डाल दूंगा, अगर आप अभी तक उसमें ऐड नहीं हुए तो उसमें ऐड हो जाए, तो उसमें जितनी भी जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है मैं उस पर टाइम टू टाइम आपको डाल दिया करता हूँ। बाकी यहाँ पे ये तो बात हो गई कटअप की, बाकी मैं अगर आपको यहाँ पे अगले पीडीएफ पे ले चलूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो डीवी में जो जो वेरीफाइड या अनवेरीफाइड जो वाले जो था जिनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी उनके वजह से आप देख सकते हो कि लगभग यहाँ पे टोटल जो जो रिजेक्ट हुए हैं वो लगभग 612 कैंडिडेट हैं। 612 में आप अगर आप देखो तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि कंप्यूटर में ही मतलब रिजेक्ट हुए हैं, जिसका जिनका स्टेट सर्टिफिकेट ही अपलोड नहीं था, या फिर स्टेट पेपर 2 इज नॉट अपलोडेड, ये वाला जो सेक्शन लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप इसका काउंटिंग करो तो यहाँ पे आए कंप्यूटर साइंस का एक यहाँ पे आप देख सकते हो 138 से ये शुरू होता है और ये करीब करीब चला जाता है, 138 से ये शुरू हुआ था। अगर आप इसके नीचे जाओ तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो जो 575 तक ये जा रहा है, यानी कि करीब करीब आप अगर इसमें देखो तो ये लगभग 500 के करीब ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आप डाटा ही दिखा रहा है, जो कि कंप्यूटर साइंस में जिनके पास एसटेट या सीटेट ये पेपर जो था ये यानी एसटीईटी वाला जो पेपर था वो था ही नहीं उनके पास, इसलिए उन्होंने अपलोड नहीं किया, उसके जगह कुछ और अपलोड कर दिया। फिर भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट हो गया है, जो कि आपको वो जो एक डॉक्यूमेंट वायरल हुआ था उसमें आपको रिमार्क्स में दिख रहा है, और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट आ गया है। तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट के ये जो हैं जो जिनका रिजल्ट आखिर ये डॉक्यूमेंट के वजह से उनका रिजेक्ट हुआ है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो लैंग्वेज पेपर में भी पूरे 9th 12th में, अगर हम ये 11th 12th में बात करें तो करीब करीब 60 लोग ऐसे थे जो कि लैंग्वेज के वजह से बाहर हो गए, जिसमें कि म्यूजिक में ज़्यादा थे। फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस में भी आप देख सकते हो 14 से 28, यानी 14 लोग ऐसे थे जो कि कंप्यूटर साइंस में पेपर 2 में या तो एबसेंट थे या फिर पेपर 2 को वो उन्होंने क्वालिफाई ही नहीं किया। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो लिस्ट है 9th to 10th में, 11th 12th में तो 60 कैंडिडेट थे, बाकी यहाँ पे आप अगर इस पीडीएफ ये अगर खुलती आप इसे देख सकते हो 9th to 10th में यहाँ पे लगभग 88 लोग ऐसे थे जो कि लैंग्वेज पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इस वजह से भी लोग बाहर हुए। तो अतुल सर का जो आंकड़ा था लगभग 4800 लोग ऐसे हैं, 4800 लोग करीब करीब जो कि लैंग्वेज पेपर को क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, तो ये बात सही हो सकती है, क्योंकि 1 to 5 में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि लैंग्वेज पेपर को क्वालिफाई नहीं किए होंगे या फिर एबसेंट रहे होंगे, एबसेंट किन्हीं भी वजह से रहे हों लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए। बाकी अगर हम बात करें आज अतुल सर का जो ट्वीट है जो
आपने देखा होगा कशिश न्यूज वाला जो आखिर आज जो चल रहा था, बाकी उसमें अगर आप एक एक चीज को थोड़ा गौर से सुनो तो उसमें बस यही उसमें आपको ये पता चलता है कि जो इस सेकेंड मेरिट लिस्ट का जो प्रावधान है वो निश्चित रूप से आएगा। तो जो भी लोग कटअप के आसपास जो भी हैं, मैं खास करके अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो आपका स्कोर अगर मैं समझता हूँ यहाँ पे अगर आप देखो आपका स्कोर अगर यहाँ पे इसके 3-4 नंबर के आसपास में है, यानी कि आपका अगर यूआर में है 63 है तो अगर आप यहाँ पे 60 नंबर तक हैं, अब यहाँ से मैं यही कहूँगा कि आप 3-3 नंबर आप यहाँ पे घटा सकते हो। अगर इस 3-3 से 4 नंबर के रेंज में अगर आपका स्कोर है तो आप निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन सेकेंड मेरिट लिस्ट में हो सकता है। तो इसके लिए आप घबराएं नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो उसमें भी मैं समझता हूँ कि यहाँ घबराने वाली बात बस अगर है तो बस यूआर में है, यूआर में लोगों को दिक्कत आई होगी, बाकी यहाँ यूआर फीमेल में भी दिक्कत आई है क्योंकि काफ़ी सारी फीमेल ऐसी हैं जिनका स्कोर 48 या 47 रहा है मैंने जहाँ तक एनालाइज किया है। बाकी यहाँ पे EWS में आप अच्छा खासा यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आता है, EWS में तो फिर भी कोई गुंजाइश नहीं है। EBC की बात करें तो EBC में भी यहाँ पे एक आपको थोड़ा और कटअप गिरता दिख सकता है, EBC फीमेल तो यही रहेगा, बाकी BC का जो कटअप है ये आपको निश्चित रूप से 54 आ सकता है, यानी 3 से 4 नंबर का आपको डाउन दिखेगा जब सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा। तो इसके लिए जितने भी लोग हैं वो घबराएं नहीं, जो उनका मतलब यहाँ से रास्ता ही बंद हो चुका है क्योंकि अतुल प्रसाद जी ने आज साफ साफ कह दिया है जो जो भी लोग गलत तरीके से अगर इसमें इंटर भी कर जाते हैं तो फिर उनका जब कागज या फिर वेरिफिकेशन होगा तो जब भी वो बाहर होंगे तो फिर वो सीट वैकेंट होगा तो वो फिर से उसकी बहाली जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट में करेंगे। बाकी ऐसा है जो ऐसा नहीं है कि हर सेंटर पे आपका आंख बंद करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है, मैंने भी आज जब सेंटर पे मैं जब था तो मैंने काफ़ी सारे लोगों जब एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि बहुत एक कैंडिडेट का जांच करने में काफ़ी टाइम लगा रहे हैं, बाकी वो स्टेट का भी हर चीज़ देख रहे हैं, हर चीज़ को अच्छे से जाँचा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप हर सेंटर का कर सकते हो कि वहाँ पे आंख बंद करके सीधे उनको ज्वाइनिंग लेटर या ज्वाइनिंग लेटर नहीं या ट्रेनिंग लेटर दे दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है, ये कुछ जिलों में ऐसा हो रहा है। बाकी ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिन जिलों में हुआ है तो वो आपको बेहतर जानकारी आपको भी है, बाकी आज आप जानते होंगे कि पटना में सारे लोग इकट्ठा हुए थे जिसको जिसको लेके काफ़ी सारी आज थोड़ी थोड़ी देर के लिए भगदड़ भी हुई थी, लेकिन उस सारी चीज़ों को मैं समझता हूँ कि यदुल सर ने क्लियर कर दिया है, जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा तो आप लोग को इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी जिन लोगों को उन्होंने जो एबसेंट थे या जिनका पार्सल वेरीफाइड था उनको भी उनका रिजल्ट दिया क्योंकि वो उनकी वो कानूनी रूप से उनके अंदर जो एक वैधता है जो उनको लीगली उनको देना पड़ा तो उसके लिए वो मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने थोड़ा दरियादिली दिखाई है, उसको हटाने को हटा सकते थे, बट अगर नहीं भी हटाया तो मैं समझता हूँ कि DP में बहुत सारे लोग हैं जो कि बाहर हो रहे हैं। बाकी CS में कुछ लोग को जो ट्रेनिंग लेटर मिल गया है तो उसका भी जो है प्रोसेस जब आगे फिर DV उनका चेक जब इंटरनली होगा तो वो निश्चित रूप से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनको अगर ज्वाइनिंग लेटर ये ट्रेनिंग लेटर मिल गया है आगे वो ज्वाइन कर जाएंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक वो अपना जॉब कंटिन्यू रख पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, एक ना एक दिन उनको निकलना ही है और वो सीट वैकेंट होना है। लेकिन ये बात अलग है कि वो फिर वैकेंट अगर साल भर बाद होंगे 2 साल बाद होंगे तो क्या फिर से वो मेरिट लिस्ट आएगा, वो बात अलग है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जो भी DV आपका कागज लिया गया है उसको फिर शिक्षा विभाग अपने स्तर पर उसको एक एक चीज को जांच परख करेगी तब जाके उनको फिर उसमें भी जो बाईपास कर गए हैं उसको फिर हटाया जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप जितने भी CS के अभ्यर्थी हैं वो होप बिल्कुल भी ना हारे, जो भी 3-4 नंबर डाउन मतलब नीचे उनका यहाँ से है तो उनको होप बिल्कुल भी नहीं हारना चाहिए। ये लड़ाई जो है ये आपकी अकेले की लड़ाई नहीं है, आप जितने भी जो क्वालिफाइड जो भी अभी जिन्होंने भी एग्जाम को पास किया उसमें जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो लोग भी आपका साथ देंगे, बस आप मैं यही कहूँगा कि एकजुट होके अपनी आवाज़ उठानी है और आप जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम अपडेट करूँगा, जो अगर मैं नहीं अपडेट कर पाता हूँ तो आपको टेलीग्राम वाले लिंक पे मैं से टेलीग्राम वाला चैनल है उस पर मैं आपको शेयर कर दिया करूँगा। तो बाकी जो भी इस एग्जाम से रिलेटेड जो आगे अपडेट आती है मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने अब तक अपना मैं समझ सकता हूँ कि आज 25 तारीख है तो सब लोगों ने अपना जो है DV का प्रोसेस करा लिया होगा और अब यही हो रहा है जो आपको डिस्ट्रिक्ट में जो पहले जो था आपका वो 3-5-7 होटल या जो भी है वो सब सारा कुछ बुक हो चुका है। इस वजह से हो क्या रहा है जो सारे ब्लॉक में आपको जितने भी जिस डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक है आपको उस ब्लॉक के DRC केंद्र में भेजा जा रहा है, वहाँ से फिर आपको एक स्कूल का अलॉट होता है, फिर आप स्कूल में जाके वहाँ पे आप ट्रेनिंग करते हो, तो ये सारा प्रोसेस चल रहा है। बाकी आपके जिले में कैसे क्या हो रहा है मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग अपने इस कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि उनको पता चले कि आपके जिले में किस तरह से DV हुआ या फिर आपके जिले में किस तरह ट्रेनिंग हो रहा है अभी, ताकि एक दूसरे को पता चले, आप यहाँ पे भी अपना
जो भी थॉट है वो आप शेयर कर सकते हो, बाकी आप टेलीग्राम में भी ग्रुप चैट वाले में शेयर कर सकते हो। तो इस एग्जाम से रिलेटेड कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन आती है या अपडेट आती है तो मैं आपको इस चैनल पे टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया करूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।